सो स्टूडेंट्स इसमें से हम लोगों ने इस w को फाइंड आउट करना है, w एक वेरिएबल है ठीक है, और वो वेरिएबल पावर में यूज हुआ, जब वेरिएबल पावर में यूज हो जाए तो इट्स मीन ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड है। द फर्स्ट मेथड इज अगर बेसिस सेम हो, वो तो बड़ा आसान मेथड है, a की पावर n और a की पावर m, सो n इज इक्वल टू m, ये एक फर्स्ट रूल है ठीक है, ये रूल नंबर वन है। एंड रूल नंबर टू इज अगर बेसिस डिफरेंट हो, फॉर एग्जाम्पल a की पावर n और b की पावर m, देयर डिफरेंट बेसिस हो, सो आप लॉग अप्लाई करोगे, लॉग a की पावर n इज इक्वल टू लॉग b की पावर m, सो n लॉग a पावर शुरू में आ जाती है और m log b, ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। और यहाँ पे मेरे ख्याल में बेसिस सेम है स्टूडेंट्स, 81 है ना, 81 का आप फैक्टर तलाश करें 3 के टेबल से, तो 3 27 are 81, 3 9 are 27 और 3 3 are 89, 3 1 are, so 3 power 4 is 81, 3 power 4 is 81, so 3 w plus 1 is equals to 3 power 4 or w, 3 power 4 or w. And another step is 3 w plus 1 is equal to 3 power 4 w. So basis same होगी, so आप इसके power को लिखो, w plus 1 is equal to 4 w. And then another step is w minus 4 w is equal to negative 1. Variable को shift करें, negative 3 मतलब 1 w और minus 4 w is negative 3 w is equal to negative 1. Negative 1 negative 1 cut, w is equal to 1 by 3. W is equal to 1 by 3. तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं ठीक है, और यही सिंप्लीफिकेशन होती है W का आंसर निकालने के लिए। तो आई होप आप लोगों ने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को एंजॉय किया होगा और सीख लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मोहम्मद फजल को दीजिए इजाजत, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।